कहा कि उठ जा उठ जा। तो आज मैं इसी ड्रेस में सोया था क्योंकि बहुत तेज़ नींद आई थी कल। और गाइस मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, जो मेरी सबसे स्टार्टिंग का ब्लॉग फर्स्ट था, आपने उसमें इतना प्यार दिया, उसमें 3 दिन में ही 426 व्यूअर्स हो गए शायद। हाँ, और ऐसे करते रहो, सब्सक्राइब भी करो, और जितने आप ही व्यूअर्स आ रहे हैं उतने सब्सक्राइबर भी करो। ऐसा लगता है जैसे व्यूअर्स ज़्यादा है पर सब्सक्राइबर्स कम है, तो सब्सक्राइब करो। और अभी उठा मैं तो आज, जैसे मैंने कल आपको दिखाया कि कल ड्रेस थी वो, कल कोट वाली ड्रेस थी क्योंकि तब वेनसडे था, पर आज थर्सडे, आज ट्रैक सूट है। तो अभी मम्मी बुला रही है कि आ जा पनीर के पराठे खाने, तो गर्मा गर्म पनीर के पराठे खाते हैं, फिर दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको पनीर के पराठे कैसे, और पनीर के पराठे के साथ दूध भी है। तो ये है पनीर के पराठे और गर्मा गर्म बटर के साथ। तो अभी इतने अच्छे अच्छे पराठे खा के, अभी मेरी ड्रेस सिंपल है तो मैं सीधे मिलता हूँ आपको ट्रैक सूट पहन के। तो तब तक के लिए तैयार हो चुका हूँ, तो जैसे मैंने आपको बोला था मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ, तो मैं तैयार हो गया हूँ। तो यह है मेरी पूरी फाइनल ड्रेस, और अभी तो आए वो मफलर भी लगाना है। तो अभी हम जा ही रहे थे, तो जैसे मम्मी का जो प्रवचन होते हैं ना, वो प्रवचन वाली जूम मीटिंग वो सुन रही थी मम्मी। तो मम्मी कहती थी कि ब्लॉग बना लियो बाद में, तो ऐसा थोड़ी ना चलता भाई, ब्लॉग कौन बनाता है बाद में। तो मैंने कहा मम्मी बाद में ज्वाइन कर लेना, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। तो बस वैन आने वाली है, अभी टाइम क्या हो गया, अभी टाइम हो गया है 8:40, 8:45 तक आ जाएगी वैन। और मेरे को बैग पैक भी करना है, तो अब मैं मिलता हूँ आपसे सीधे 2 या 2:30, हाँ 2:33 तक आ जाता हूँ मैं स्कूल से, तो तब मिलता हूँ मैं आपसे। तब तक मैं आ चुका हूँ स्कूल से, तो अभी अभी जस्ट पहुँचा था। तो अब मम्मी बोल रही है कि खाना खा लो, तो अभी हम खाना खा रहे हैं। खाने क्या बनाया मम्मी? पनीर रोटी। पनीर रोटी बनी है गाइस, खाने में कहाँ है पनीर? पनीर कहाँ है गाय से बात है, और ये घी है ना, ये देखो गाइस घी, ये देखो पनीर रोटी खानी है, बहुत खाना है बता। ये क्या क्या घी है? ये रखो पनीर। तो यहाँ हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है घी, इसको ऐसे करके अच्छा बन जाता है, ऐसे बनता है यहाँ घी। और तो गाइस अभी मैं खाना खुना खाता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक ले बाय। मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ, अभी अभी जस्ट पहुँचा हूँ, साइकिल से आया हूँ तो पसीने पसीना हो गया। तो अभी मेरे साथ में उदित है, ये साइकिल में, मैं पैदल हूँ, वो ऊपर को जा रहा है, उदित सामने चलते आ रहा। तो अभी मैं सामने को जा रहा हूँ, उदित भी आ रहा है। तो फ्लैश लाइट ऑन कर रखी, इधर अंधेरा हो गया, रात होगी कि लाइट भी नहीं लगा दे। मुँह से धुआं ही धुआं निकल रहा, ठंड नहीं है पर पता नहीं धुआं क्यों निकल रहा। तो अभी हम सामने को जा रहे हैं, तो आपको पता है कुछ दिख तो रहा नहीं होगा यहाँ पे, क्या ही दिखा होगा, पूरा अंधेरा अंधेरा होगा। तो अभी बस इस अंधेरे में जा रहे तो ऊपर हो। तो हम लेन मधुबन एंकले उस दिन दिखाया था कि लेन नंबर 2 है, लेन नंबर 2 में ही पहुँच चुका हूँ मैं। तो हम आगे जा रहे, तो आगे लाइट है, वो भी घर की लाइट है, यहाँ पे लाइट ही लगा रखी, पोल बस एक उधर ही साइड है पोल, वरना और कहीं नहीं है, और हम बस यहाँ पे पोल ही नहीं है, बस वहाँ पे एक लाइट का पोल, और वो भी जस्ट हार्दिक और के घर के सामने पूरा उजाला हो जाता है उसी लाइट से। और एक उधर एक और जगह है वहाँ से, वहाँ पर भी लाइटें लगी हुई, हमारे साइड भी है लाइट लगी हुई पर इधर लगनी चाहिए थी, इधर पूरा अंधेरा रहता है। तो आज तो मेरी छुट्टी बहुत लेट हुई थी, तो इनने खेला होगा बैडमिंटन, खेला बैडमिंटन, तो इन्हें बैडमिंटन खेला, तो ये बना नया घर, यहाँ पे भी एक नया घर बन रखा है, इस पर ये लाइटें अच्छी लग रही, ये लाइटें अच्छी लगती है और कुछ नहीं। और यहाँ पे अभी लकड़ी की फैक्ट्री है, देखो गाइस लकड़ी की फैक्ट्री है, अंदर लकड़ी की फैक्ट्री, यहाँ पे बेड बनते हो गए, पलाई बनती होगी, पता नहीं क्या क्या बनता है।
जैसे उधर लिखा हुआ था ना लेन नंबर 1 मधुबन एन्क्लेव, इधर लिखा हुआ लेन नंबर 2 मधुबन एन्क्लेव, तो ये लेन नंबर 2 है। यहाँ पे तो 2 तक ही है, लेन नंबर 2 है ना, यहाँ पर 2 दो ही लेन नंबर है ना। हाँ तो यहाँ पे 2 ही लेन नंबर। देखो गाइस फिर से अंधेरा आ गया, अरे यहाँ पे बस हर जगह मकान ही मकान बन रहे, एक मकान ही बन रहा, बस हर जगह मकान ही मकान है। तो अब जो संडे आएगा, संडे को कहीं घूमने जाएंगे, सरप्राइज है आपके लिए, तो देख अब देखना जरूर वो ब्लॉग संडे का, कुछ कहीं जाएंगे हम घूमने। तो बस हम पहुँचे ही थे इधर, तो हम अब पहुँच गए फिर से लेन नंबर 1 में। तो लेन नंबर 1 में जाए जा रहे, जाए जा रहे, चलो चलो चलो। तो ये था हार्दिक का घर, हार्दिक घर के अंदर चले गया, बस हम भी जा रहे हैं। देखो ऐसे यहाँ पे हम बैडमिंटन खेलते हैं ना, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो गया, तब यहाँ पे खेलते ही नहीं, वरना ये जो लाइट है ये इधर ये नीचे को आती है, इधर को नहीं आती। बस अरे ये यहाँ पे एक और कुत्ता, ये टाइगर का दुश्मन है, पता नहीं क्यों करता रहता है उससे लड़ाई, इसका नाम फ्रेंकी है। तो अभी हम थोड़ा घूम के आगे, तो कल का ब्लॉग मैंने एडिट करा था, बताना कैसा लगा, एडिटिंग तो बढ़िया करी थी, अब आप बताओ कैसी लगी, अच्छी लगी तो मैं कमेंट ऑन करना भूल गया था शायद, तो आज कमेंट कर दूँ ऑन, सो बता देना कि कैसी लगी। तो यहाँ पे हमारे साइड में मकान बन गया, देखो मैंने कहा था ना कि इधर लाइट है लगी, तो इधर तो है लाइट लगी, पर पीछे लेन नंबर 2 के साइड नहीं है लगी। तो अभी उदित अपने घर जा रहा है, एक उदित के बगल में एक और घर बन रहा है, वहाँ पे भी लाइट लगी, और हम अपने घर जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ वैसे नहीं था, आज का ब्लॉग बस डेली लाइफ ब्लॉग आ रहा है और कुछ नहीं, बस हर दिन में क्या क्या करता हूँ मैं वही ब्लॉग है। यहाँ पे ही आवाज़ इसलिए आ रही है, यहाँ पे मोटर चल रही है, मोटर चलानी पड़ती है। तो अभी टाइगर भी कहीं घूमने जा रहा हूँ, मैंने टाइगर को भी दिखा दे। तो अभी मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, गाइस मैं घर के अंदर आ चुका हूँ। तो कल मैंने जैसे बताया आपको, संडे को हम कहीं घूमने जाएंगे, बाद है संडे, तो हम 3 दिन बाद कहीं घूमने जाएंगे, जैसे मैंने बताया था संडे को, तो संडे को कुछ सरप्राइज होगा, तो संडे को ब्लॉग जरूर देखना। तो ये ब्लॉग नंबर 4 है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।